मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की ऐतिहासिक सभा हुई, इसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि पूरे क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो अभूतपूर्व जन समर्थन जनता का मिल रहा था, जनता कमलनाथ जी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। यहाँ की जनता ऐतिहासिक जीत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर जीत हो रही है, जोरहाट में एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को होने वाली है। क्योंकि दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सभा थी, उसमें मात्र 1000 लोग उपस्थित, आज कम से कम 6000 लोगों की जनसभा को माननीय कमलनाथ जी ने संबोधित किया है। पहले की भीड़ सरकारी थी, कहीं ना कहीं प्रायोजित थी, लेकिन आज स्वतः ही जनता अपनी प्रणा से बगैर संसाधनों के आई है। ऐसे चुनावी माहौल में इतनी बड़ी सभा होना, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के प्रति जनता का गाढ़ प्रेम है। चूँकि आप चुनाव इंचार्ज भी हैं और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरी विधानसभा क्षेत्र की पूरी पोलिंगों पर जा रहे हैं, पोलिंगों पर क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, हर पोलिंग बूथ पर, हर गांव में, हर नगर के वार्ड में जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। जनता ये चाहती है कि कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने, जिनका अहम और अहंकार भारतीय जनता पार्टी का, ज्योतिराज सिंधिया का, उन्होंने ये सोच लिया था, ज्योतिराज सिंधिया ने हमारी दम पे ग्वालियर चंबल में सीटें जीते हैं। जनता उनको ये बताना चाहती कि जनता के वोट से पहले के विधायक जीते थे, उन्होंने जो जनादेश दिया था वो शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाने का और कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी को बिठाने का जनादेश दिया था, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और लोगों ने इस्तीफे दिए। चूँकि जोरा सीट बनवारीलाल शर्मा जी के बाद रिक्त हुई है, इस सीट के बाद भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, खाली एक उपचुनाव होता तो ठीक था, लेकिन इसके साथ साथ जो इस्तीफा देकर चुनाव हुआ, सरकार बदली, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो मानती है कि हमारे जनादेश का अपमान हुआ है, बदला लेने के लिए कृतसंकल्पित है।